हेलो दोस्त, कैसे हो आप? दोस्त, अभी हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी खास स्टेशन से गुजरने वाली सारी ट्रेन का करंट स्टेटस कैसे पता कर सकते हैं, वो भी ट्रेन नंबर जाने बगैर। तो दोस्तों, उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसे सब्सक्राइब करने में आपको कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं। हाँ, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए दोस्तों आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन है जो इंस्टॉल करना चाहिए। तो उसे इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएंगे अपने, और वहाँ पे ये NTES नाम का जो है एप्लीकेशन, उसे इंस्टॉल करना है। NTES आप क्लिक करेंगे तो जो सबसे पहले आएगा, जो कि CRIS के द्वारा बनाया हुआ है, ये इंडियन रेलवे का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। ये चूँकि मेरे मोबाइल में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए मैं इसे ओपन करूँगा। जो है मैं इसे ओपन करूँगा तो ये सामने एक विंडो आएगी। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है स्पॉट योर ट्रेन, यानी कि यदि मुझे ट्रेन का नंबर पता है तो मैं उसमें ट्रेन नंबर डालने के बाद उसका स्टेटस पता कर लूँगा। लेकिन मुझे वो नहीं करना है, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है लैब स्टेशन, तो इसे क्लिक किया मैंने। मुझे ये चेक करना है कि अभी न्यू दिल्ली से जयपुर जाना है, और अभी करेंट में न्यू दिल्ली से कितनी सारी ट्रेन गुजर रही हैं जो कि जयपुर जा सकती हैं। तो वो मैं जयपुर ओके किया। फिर मुझे ये भी चेक करना है ट्रेन इन नेक्स्ट 2 आवर्स या 4 आवर्स। मुझे चेक करना है कि अगले 4 घंटे में गया, तो मैं 4 आवर्स वाले में क्लिक कर दिया। अब मैं गेट ट्रेन्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये बता रहा है कि यहाँ से कोई भी ट्रेन नहीं है जो कि अगले 4 घंटे में गुजरेगी। सपोज यहाँ पर यदि रहता तो वो आ जाता। हम वहाँ से अब जयपुर का नहीं, हम चेक करते हैं लखनऊ का, ठीक है, अगले 4 घंटे में। अब हम गेट ट्रेन्स ओके कर रहे हैं, तो देखिए हमारे सामने ऑप्शंस में आ गए। एक ही ट्रेन है जो कि अभी आने वाली है, वो है न्यू दिल्ली लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि 23:25 यानी 11:25 रात को है, वो राइट टाइम में है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे वो आने की संभावना है, ऐसा हमें सामने बता रहा है। तो देखा दोस्तों, हमें ट्रेन नंबर नहीं पता था, लेकिन फिर भी हमें अंदाज़ा लग गया कि अगले 4 घंटे में कौन कौन सी ट्रेन है जो कि नई दिल्ली से निकल के लखनऊ की ओर जाएगी। तो वो हमें यहाँ पे बैठे बिठाए पता चल गया। और सपोज मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ कि मैं अहमदाबाद से मुझे बड़ोदरा जाना है, तो मैं ये चेक कर रहा हूँ ऑप्शन वडोदरा जंक्शन अगले 4 घंटे में। यहाँ पे हम गेट ट्रेन ओके कर रहे हैं, तो देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रेन ज़्यादा है। तो हमें अभी देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा है अरावली एक्सप्रेस, जो कि 2 घंटे 27 मिनट लेट से जा रही है, लेकिन वो भी चूंकि अगले 4 घंटे के अंदर में है तो वो हमें दिख रहा है। अभी करंट टाइम देख रहे होंगे आप, मेरे इस विंडो में ऊपर में लिखा है 10:43 रात के बज रहे हैं, और लेकिन ये ट्रेन जो थी वो 10 बजे रात का ही था, लेकिन वो 2 घंटे लेट है, इसलिए वो 12 बजे जाएगी, 12:27 मिनट में जाएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। तो हमें ये अंदाज़ा लग गया कि ये ट्रेन अभी जा सकती है 12 बजे के आसपास, तो मैं उस ट्रेन में जाऊंगा। तो ये हमें उस यानी कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का करेंट स्टेटस बता रहा है कि अभी कौन कौन सी ट्रेन वहाँ से गुजरने वाली है। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशंस के और भी अलग ऑप्शंस हैं जैसे ट्रेन से डील हैं, तो ये आप यदि मुझे ट्रेन नंबर पता रहता तो मैं किसी भी ट्रेन का शेड्यूल यहाँ से चेक कर लेता। फिर अगला ऑप्शन है ट्रेन बिटवीन स्टेशंस, तो हमें 2 स्टेशंस के बीच में कितनी सारी ट्रेनें हैं वो एक्चुअल टाइम आ जाएगा, वो करंट स्टेटस यानी रनिंग स्टेटस तो नहीं आएगा, लेकिन उसमें सारे ट्रेन का डिटेल आ जाएगा। फिर आगे कैंसल्ड ट्रेन, कितनी ट्रेन कैंसिल हुई हैं आज, तो यदि आपको वो भी चेक करना है तो कैंसल्ड ट्रेन्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इतनी सारे ट्रेन का नाम आएगा कि ये सब ट्रेनें आज के दिन में कैंसिल हो गई। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे स्टार्ट डेट में भी लिखा है टुडे,
टुडे यस्टरडे टुमारो, तो ये तीन दिन में आप ऑप्शन भी चूज करके आप पता कर सकते हैं कि आज के डेट में कितनी सारी ट्रेन कैंसिल हुई हैं। तो यदि आपकी कोई ट्रेन इसके बीच में आ रही है तो आप